पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ाता है, पैदा करता है, इसके सबूत कई बार दुनिया को मिल चुके हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन 9 देशों में शामिल है जिनके पास अपना एटम बम है। ऊपर से भारत का पड़ोसी भी है। पाकिस्तान कई बार भारत से युद्ध लड़ चुका है, हर बार मुंह की खाई है। आतंकियों के जरिए भी वह कायरतापूर्ण लड़ाई लड़ता रहता है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में जब CRPF के 40 जवान शहीद हुए, तब भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। आतंकियों का सफाया कर दिया गया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की थू-थू हुई। इससे खफा पाकिस्तान इस तैयारी में था कि वो भारत पर परमाणु बम से हमला कर दे। यह जानकारी अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने अपनी नई किताब में दी है। उन्होंने पाकिस्तान की इस नापाक तैयारी की जानकारी तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को भी दी थी। पोम्पियो ने अपनी किताब में लिखा, मुझे नहीं लगता कि दुनिया ठीक से जानती है कि फरवरी 2019 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई परमाणु विस्फोट के कितने करीब आ गई थी। सच तो यह है, मुझे भी इसका ठीक ठाक जवाब नहीं पता। अब आइए समझते हैं दुनिया में कितने देशों के पास मौजूद है परमाणु बम। आपको बता दें, दुनिया में कुल 9 ऐसे देश हैं जिनके पास अपना खुद का परमाणु हथियार मौजूद है, जिसमें से रूस के पास 5,977, अमेरिका के पास 5,028, चीन के पास 350, फ्रांस के पास 290, यूके के पास 225, पाकिस्तान के पास 165, भारत के पास 160, इसराइल के पास 90 और उत्तर कोरिया के पास 20 परमाणु हथियार मौजूद है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI ने 13 जून 2022 को एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि भारत अपने परमाणु हथियार बढ़ा रहा है। ये बात पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा एटमिक हथियार हैं। पाकिस्तान के पास 165 परमाणु हथियार हैं, जबकि भारत के पास 160 परमाणु हथियार। परमाणु हथियार चलाने की नौबत आती है तो भारत शायद पाकिस्तान से बेहतर निकले, क्योंकि भारत के पास हथियारों के ट्रांसपोर्टेशन और लॉन्च पैड ज्यादा बेहतर हैं। भारत के पास कम दूरी की मिसाइल पृथ्वी है, इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। अग्नि फर्स्ट की रेंज 350 किलोमीटर है, अग्नि सेकंड 2000 किलोमीटर और अग्नि थर्ड की रेंज 3000 किलोमीटर है। ये सभी सेना में शामिल की जा चुकी है। अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर है, यानी इन मिसाइलों की मदद से भारत पाक के सभी शहरों को निशाना बना सकता है। अगर भारत पाक पर परमाणु बम गिराता है तो इससे रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, नौशेरा और कराची शहर पूरी तरह बर्बाद हो सकते हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान को अपनी गलतफहमी खत्म करनी चाहिए और भारत से परमाणु युद्ध के बारे में सोचने से बचना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की मौजूदा हालत कंगाल मुल्क से ज्यादा कुछ और नहीं है।